हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप असीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आप सब जानते हैं आई हैव बीन मेकिंग लॉट ऑफ एजुकेशनल वीडियोस शेयरिंग विद यू ऑन कॉस्मेटिक सर्जरीज, एंटी एजिंग, और कुछ वीडियोस हमने कोविड मैनेजमेंट पे भी बनाए हैं। अभी हमारी एक सीरीज चल रही है कि पोस्ट कोविड जो लंग डैमेज होता है, लंग फाइब्रोसिस को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, जिसमें हमने एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन सी दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स लंग फाइब्रोसिस को रोक सकते हैं। एक वीडियो हमने बनाया जिसको मैंने आपको मिरेकल ब्रेथ, जिसको हम पर्स लिप ब्रीदिंग या वायुपान क्रिया बोलते हैं, उसको डिटेल में दिखाया। आज मैं आपको एक डिवाइस दिखाने चाह रहा हूँ और इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे डॉक्टर ललित मोहंती। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं एंड इज़ रिकवरिंग फ्रॉम अ लंग कोविड, ही हैड लंग निमोनिया अबाउट 1 month बैक, उससे रिकवर कर रहे हैं और इन्होंने इस डिवाइस को यूज़ किया और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यूज़ किए हैं जो हम बात कर रहे थे। ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑल्सो विद यू। तो आइए, क्या है ये डिवाइस और क्या फ़ायदा है? देखिए, कोविड के अंदर जो निमोनिया होता है उसकी एक पिक्युलैरिटी है कि उसकी जो खांसी होती है वो ड्राई कफ होती है, सूखी खांसी होती है। क्यों? क्योंकि जो सिक्रीशंस बनते हैं वो एकदम स्टिकी होते हैं, फेविकॉल की तरह होते हैं, पूरे चिपक जाते हैं दीवार के अंदर और बाहर ही नहीं निकलते हैं। आप जितनी भी खांसी कर लें बाहर नहीं निकलते हैं। एंड दैट इज़ वन रीज़न वाई दे कॉज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स, फाइब्रोसिस, इन्फेक्शंस, क्योंकि वो सिक्रीशंस, बाकी इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया है, उसमें सिक्रीशंस बाहर पतले होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कोविड के सिक्रीशंस हाइलिन मेम्ब्रेन के बने होते हैं, बहुत थिक होते हैं, निकलते नहीं हैं। तो हम बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई करते हैं, जैसे मैंने बताया था म्यूकोमिक्स है, एनेसिटाइलसिस्टिन है, हेपारिन नेबुलाइजर्स हैं, ताकि हम उनको लिक्विफाई करके निकाल सकें, लेकिन वो सब सफिशिएंट नहीं है उनको निकालने के लिए। हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स, डिवाइसेस चाहिए होते हैं इस थिक थिक सिक्रीशंस को बाहर निकालने के लिए। और आज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, एक स्पेशल डिवाइस है, दैट इज़ कॉल्ड एकापेला। बहुत अजीब नाम है और शुरू शुरू में बहुत लोग हैरान होंगे। इस डिवाइस को बोला जाता है एकापेला, ACAPELLA, एकापेला। क्या करती है डिवाइस, और इसको इंडिया में ये नहीं बन रही है, USA में बनती है, स्मिथ मेडिकल्स ने इसको बनाया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये डिवाइस बेसिकली क्या है और कैसे वर्क करती है। तो ये देखिए, ये डिवाइस है और इस डिवाइस के अंदर बेसिकली क्या करना होता है, पेशेंट को माउथ में, ये माउथ पीस है, इसको रखना होता है और ये रेजिस्टेंस के लिए, इसको आप देख रहे हैं, इस नॉब से हम रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं, कितना रेजिस्टेंस हम देना चाहेंगे, रखना चाहेंगे, सेट करते हैं। तो जो पेशेंट है वो गहरा सांस भरता है, इसको अपने माउथ में लेता है, हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, फिर सांस को धीरे धीरे इसको एक्सहेल करता है। मैंने जब आपको मिरेकल ब्रेथ यानी कि वायुपान क्रिया या पर्स लिप ब्रीदिंग के बारे में बात की, तो मैंने बताया था एक्सहेलेशंस को लंबा करना है और अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तनाव के अगेंस्ट ब्रीद आउट करना है। इससे क्या होता है, हमारे ब्रोंक्यूल्स डायलेट करते हैं, जो सिक्रीशंस दबे हुए हैं वो बाहर निकलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और एडिशनल है, इसमें एक मैकेनिज्म है, एक वॉल्व है, जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो फ्लटर करता है, वो हिलता है ऊपर नीचे, जब वो फ्लटर करता है तो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, वो वाइब्रेशंस लंग्स के अंदर तक जाती हैं, सारे ब्रोंक्यूल्स को हिलाती हैं, और ब्रोंक्यूल्स को जब हिलाती हैं तो जो छोटी छोटी सिक्रीशंस अंदर इकट्ठी हैं वो सब बाहर निकलने लगती हैं। तो इसमें 3 चीज़ों का है समावेश, 1, लॉन्ग एक्सहेलेशन, पॉजिटिव एंड प्रेशर, जिसको पेप बोला जाता है, पॉजिटिव एंड प्रेशर, एंड 4th इज़ वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन है ये एक बहुत स्पेशल फीचर है एकापेला का, जिससे हमारी सिक्रीशंस बाहर निकलती हैं। एंड 1 thing more, जब इसको करना कैसे, पहले गहरा सांस लें, फिर इस माउथ पीस को माउथ के अंदर लें और इसको एक्सहेल आउट करें स्लोली एज लॉन्ग एज यू कैन। वाइब्रेशंस अपने आप होंगी और रेजिस्टेंस जो आप सेट करना चाहें उसको आप सेट कर लें। इसके बाद आप थोड़ा सा कफ करें, खांसी करें और बलगम को बाहर निकलने दें। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इसमें ब्रीद आउट कर रहे हैं तो अपने चीक्स को दबा के रखना, गाल फुलाना नहीं है। अगर आप गाल को फुलाएंगे तो प्रेशर है, वाइब्रेशन है, वो अंदर तक ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं। सो डॉक्टर ललित, आप ये डेमो करेंगे, दिखाएंगे, रेजिस्टेंस आप सेट कर लीजिए जितने पर आपको सेट करना है। तो डॉक्टर ललित ने अपना रेजिस्टेंस अकॉर्डिंगली लिया है, और अपने आप को एक्जर्ट ना करें, धीरे धीरे करें।
तो गहरा सांस लेंगे जितना कंफर्टेबली ले सकते हैं, ज्यादा नहीं एफर्ट करना है। मुंह में लिया और ये ब्रीद आउट कर रहे हैं, चीक्स को दबा के रखें अंदर डॉक्टर ललित, यस, चीक्स को बाहर ना निकलने दें। सांस लें और ब्रीद आउट करें एज लॉन्ग एज यू कैन, चीक्स अंदर रखेंगे, दबा के रखेंगे। आप देखिए ये फ्लटर कर रहा है, शायद आप नहीं दे पा रहे हैं, और अगर हम पास में अगर इसको वीडियो में लेंगे तो ये फ्लटर करता है पूरा, हम एक व्यू देंगे जिसमें ये फ्लटर करते हुए दिखाई देगा। यस, ये पूरा फ्लटर कर रहा है और ये फ्लटर की जो वेव्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो लंग्स के अंदर तक जा रही हैं। तो इसका इसमें क्या होता है कि शुरू में मिनिमम रेजिस्टेंस पे रखना पड़ता है इसे। जब आप इनहेल करते हैं, इनहेल करके इसके थ्रू जब एक्सहेल करते हैं तो ये फ्लटर आता है, तो उसको मिनिमम रेजिस्टेंस पे रखा जाता है। आप जैसे एक इस इक्विपमेंट का आदि होते चले जाते हैं तो उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। जब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे और आप उसी में एक्सहेल करने की कोशिश करेंगे तो आपका एक्सहेलेशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगा, तो वही जो सी वाइब्रेशन होगी वो लंग्स के जो सी स्मॉलेस्ट पाथवे है जहाँ पे उसको खोलने की कोशिश करेगी, वो वाइब्रेशन अंदर जाएगी, आपके स्मॉलेस्ट पाथवे को खोलने की कोशिश करेगी, और जब आप कॉफ करेंगे तो जो भी क्लॉग्ड कफ का स्पूटम होता है, जो बलगम होता है, वो बाहर निकलेगा। जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो पहले आपको अनकंफर्टेबल लगेगा शुरू में, लेकिन एज सून एज इट कम्स आउट, द स्पूटम कम्स आउट, यू विल फील फार बेटर। तो जो गोंद जैसी एक्चुअली वायरल निमोनिया जो होता है, इट इज़ यूजुअली एन इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया का मतलब होता है जो लंग के एल्वियोलाई के बीच वाले स्पेसिस होते हैं वहाँ पे कॉफ होता है। तो उसके अलावा बाकी एल्वियोलाई के अंदर भी थोड़ा सा कॉफ होता है, लेकिन जो इंटरस्टिशियल निमोनिया में जो कॉफ होता है वो होता है ड्राई हैकिंग कॉफ, जो कि निकलता नहीं है। लेकिन जो एल्वियोलाई के अंदर कफ होता है उसको भी निकालने में तकलीफ होती है, क्योंकि वो गोंद के टाइप का होता है। इस प्रैक्टिस से और जो दवाइयाँ डॉक्टर संदीप ने बताई, उन दोनों को मिला के म्यूकस कैन बी थिन डाउन, एंड उसके बाद वो उस एल्वियोलाई के अंदर से निकल सकता है। वो जो वाइब्रेशन करता है ब्रोंकियोल्स के अंदर, जो छोटे छोटे पाथवेज में, वो मदद करता है आपकी कॉफ और स्पूटम को निकालने के लिए। डॉक्टर ललित, आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं कुछ दिन हुए हैं और साथ में यू आर डूइंग पर्सनल ब्रीदिंग या मिरेकल ब्रीदिंग, क्या डिफरेंस फील हुए हैं आपको, जस्ट शेयर विद द पब्लिक, क्योंकि आई वांट एवरीबॉडी टू नो कि ब्रीदिंग अलोंग विद द मेडिसिंस, आप सब मेडिसिंस ले रहे हैं, नेबुलाइजर्स मिथिलिन ब्लू के ले रहे हैं, हेपारिन ले रहे हैं, म्यूकोमिक्स ले रहे हैं, आई नो ऑल दैट चल रहा है आपका, लेकिन इन एक्सरसाइजेस से क्या फायदे हुए आप शॉर्ट में बताएं इनको, हार्ट रेट में क्या हुआ, लंग्स में क्या हुआ। शुरू में जब मैं सिर्फ मेडिसिंस ले रहा था और ये इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर रहा था तो मेरी एक बहुत डिफ़िकल्ट कंप्लेंट थी, मेरे को जो खांसी होती थी, बलगम आने की मैं कोशिश करता था, वो इतनी सीवियर होती थी कि वो निकल नहीं पाता था कभी भी। हाँ, और इसलिए मैं बहुत परेशान था इस चीज़ से। तो मैंने जब डॉक्टर संदीप से बोला तो फिर हमारी डिस्कशन के बाद उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स मुझे दिए, उनमें से ये इक्विपमेंट एकापेला वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इस एकापेला के थ्रू मैं जब करने लगा, इसकी यूज़ करने लगा और एक्सहेलेशन को लॉन्ग करते हुए रेजिस्टेंस के साथ करने लगा, तो मेरा वो बलगम जो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, वो धीरे धीरे थिन डाउन करके बाहर आने लग गई। जैसे ही वो बाहर आने लगी तो एक तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि वो मेरा कॉफ एंड स्पूटम बाहर आने लगा। जो दूसरा प्रॉब्लम था कि खांसी करने के बाद, वो सब करने के बाद मेरा जो हार्ट रेट एकदम बढ़ जाता था 125-130। तो डॉक्टर संदीप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो जानते थे कि मैं हार्ट का मेरा प्रॉब्लम है और मेरे दो स्टेंट हैं, मेरे को एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो वो कभी चाहते नहीं थे कि मेरा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो। तो जब मैंने एक्सहेलेशन को डीप किया, इन्हेलेशन करने के बाद एक्सहेलेशन को डीप किया, जिसमें कि एकापेला ने मेरी हेल्प की, तो उसमें मेरे को दो फायदे हुए। एक, मेरा हार्ट रेट जो कि डॉक्टर संदीप ने पिछले एक वीडियो में बताया था, वो मेरा कम हो गया, तो उससे मैं आई यूज टू हैव अ वेरी काम हार्ट रेट जो कि 100 के नीचे चले जाता था आराम से। दूसरा, जो मेरा बलगम निकल नहीं पाता था, वो थिन थिन होके आराम से अब निकलने लग गया, सो आई कैन ब्रीद ईजी। धीरे धीरे जो खांसी मेरे को इतनी परेशान करती थी
वो अच्छे से मुझे कूल कर गई, तो मेरा हार्ट भी बेटर हो गया और मेरा जो लंग्स का जो स्पेसिंग था वो भी अच्छा खासा बेटर हो गया। आपने ये देखा डॉक्टर ललित का कि इनको कोविड हुआ था, लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ, 12/25 इनका स्कोर था एंड मेडिसिन हम दे रहे थे बट पूरा सिक्रीशंस नहीं निकल पा रहा था, हार्ट रेट काफ़ी बढ़ रहा था इन स्पाइट ऑफ यूजिंग इवाब्रेडिन बीटा ब्लॉकर, जिसके बाद भी इनका हार्ट रेट बढ़ रहा था। जब से इन्होंने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज शुरू की, स्पेशली पर्स लिप ब्रीदिंग एंड एकापेला, इनका हार्ट रेट कम हो गया और सिक्रीशंस निकलने लगा, ये काफ़ी अच्छे इनको फ़ायदे मिले। एकापेला आपको amazon.in पे मिल जाएगा, थोड़ा महंगा है, 3000 के करीब आता है, लेकिन जिन लोगों को काफ़ी लंग इन्वॉल्वमेंट है आई वुड सजेस्ट इसको इस्तेमाल करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे बना रहूँगा और मैं कुछ वीडियोस और बनाऊँगा इसी तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पोस्ट कोविड। मेरा मेन फोकस क्या है इन वीडियोस को बनाने का, मैं क्लियरली बता दूँ, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे चेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं या क्वालिफाइड उतने डॉक्टर्स नहीं हैं जो समझ सकें कि लंग रिहैबिलिटेशन कोविड के बाद कैसे करना है। तो मेरे ये वीडियोस ऐसे गांव वाले एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहाँ तक अगर पहुँचते हैं, जिन लोगों को निमोनिया हुआ, जिन लोगों को लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ, जो रिकवर हो रहे हैं, अगर वो टाइमली इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है उनके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस बच जाएं और उनका लंग्स बेटर रहें और वो एक बहुत अच्छी अपनी लाइफ लीड कर सकें और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो मेरा मोटिव इन वीडियोज़ का यही है, प्लीज़ ये वीडियोज़ की नॉलेज आप उन लोगों तक शेयर करें जिनको कोविड का निमोनिया हुआ और जो आज कोविड निमोनिया के बाद रिकवर कर रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस।